गुड मॉर्निंग। आज है संडे और संडे को सबको मेरा गुड मॉर्निंग है और सुप्रभात। आ गई हूँ अपने टेरेस पे और संडे को मैं थोड़ा बहुत केयर करती हूँ अपने पेड़ पौधे पर। और मौसम देखिए बहुत गर्मी भी है लेकिन हवा भी चल रहा है। मॉर्निंग का तो मतलब जो व्यू रहता है ना बहुत प्यारा रहता है, दिन में काफ़ी गर्मी होती है। और पेड़ पौधे जो है ना वो भी अपने बच्चे के जैसे है, केयर करना ज़रूरी होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पेड़ पौधे में देखिए ये वाइट वाइट जैसा फंगस ऐसा लग जाता है और हमारे पेड़ पौधे बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आज थोड़ा सा टिप्स भी दूंगी कि ये जो देखिए वाइट फंगस लगता है ना, खास करके गुड़हल के फूल में, पेड़ में बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैं जो हीट होता है ना तो उसको डालें, और जितना भी पेड़ में ग्रो करती हूँ तो उसके लिए जितना भी फल सब्जियाँ जो भी मैं काटती हूँ किचन में सबको मैं रख देती हूँ एक डब्बे में, और 15 दिन के बाद उसका पानी डालती हूँ। कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह नहीं डालती हूँ। और देखिए थोड़ा बहुत जो हीट है ना तो मैं छीट देती हूँ। ये सारे पेड़ जो है ना कीड़े से ख़राब हो गए थे, फिर से मैं कटिंग करके सबको ग्रो की हूँ। पूजा पाठ के लिए तो फूल निकल जाता है। मेरे पास हरी मिर्च की 5 क्वालिटी है और सब मैं 20 से ही लगाई हूँ। जो भी फल सब्जियाँ आती है सबका 20 ट्राई करते रहती हूँ कि चलो उसमें से कोई भी फूल पेड़ हो जाते हैं तो मुझे खुशी लगती है। तो मैं दिखाती हूँ मिर्च की कितने क्वालिटी है। और अनार के पेड़ में भी ना बहुत सारे फल आते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा हो करके गिर जा रहा है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सुझाव होगा तो दीजिएगा। लेकिन मैं अभी जो है ना 2-4 बार से उसमें हीट डाल रही हूँ, क्योंकि एक बक्स आता है जो अनार के जो फल होते हैं ना तो उसके मतलब रूट पे बैठते हैं, तभी वो अनार के फल जो होता है ना बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो इसीलिए मैं देखती हूँ ऑनलाइन मंगाऊंगी उसका कोई दवा। तो यहाँ पर देखिए ये शिमला मिर्च का जो बीज छीट दी थी, बहुत सारा पेड़ आ गया है तो उसमें से 2 पेड़ निकल आए हैं। और थोड़ा सा नींबू का मैं बीज रख दी थी तो उसको भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर हो जाएगा तो ठीक है। और यहाँ पर 2 शिमला मिर्च का पेड़ भी हो गया है। तो यहाँ पर संडे को टाइम मिलता है तो यहाँ पर सारा मिट्टी मैं कोड़ देती हूँ, सारा पेड़ जितना भी पेड़ पौधा रहता है। तो टेरेस पर भी बहुत सारा मैं पेड़ पौधा लगाई हूँ तो मेरे पास टाइम रहता है। थोड़ा बहुत संडे को मैं सबका केयर करती हूँ, डेली तो पानी डालती ही हूँ। और देखिए एक जो है ना इसमें से फूल निकल आए हैं और बहुत सारे पेड़ हैं। और अभी जो बरसाती पेड़ जो होता है ना, मास रोज का प्लांट, ये सबसे मैं अपने छोटे से बालकनी में लगाई हूँ। तभी चलूँगी बालकनी में, वहाँ भी दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत अपडेट मैं देती हूँ अपने छोटे से बालकनी का। तो यहाँ पर देखिए सारा मिट्टी को मैं कोड़ देती हूँ, फिर सब में पानी डालूंगी। तो गर्मी का दिन है तो सुबह शाम मैं ज़रूर पानी डालती हूँ। और ये है अदरक का पेड़। तो किचन में बहुत सारे देखिए आपका फल सब्जी रहता है तो बीज आप भी डाल करके ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाज़ार से ही पेड़ पौधे खरीद के लाए तभी होगा। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए ये अदरक है ना, तो मैं पानी में डाल करके और एक बंद जार में रख दी थी। तो उससे क्या हुआ ना कि जो है रूट निकल आए, तो उसी से मैं ला करके लगा दी थी। एक पेड़ देखिए सक्सेस हो गया है और एक मैं दिखाती हूँ निकाल करके। देखिए ये आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं किचन में काम करके एक डब्बे में बंद कर दी थी। तो देखिए इसका रूट निकल आया है, तो इसको फिर से मैं देखिए ग्रो कर देती हूँ। तो हल्दी भी मैं लगाई हूँ, कच्चा जो हल्दी होता है, साथ में कच्चा बादाम भी मैं लगाई थी, जो आप लोग के सामने वीडियो है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर चलिए सबको मैं फिर से लगा देती हूँ। और ये अदरक भी है ना, तो एक अदरक से बहुत सारा आपका अदरक निकल सकता है। तो यहाँ पर चलिए इसकी भी मिट्टी में थोड़ा बहुत कोर देती हूँ। और समय समय पे सब में हीट मार दे, ऐसा नहीं कि हम एक ही पेड़ में जिसमें हम कीड़ा है उसी में डालेंगे। और हीट मार देने से क्या होता है ना कि जितना भी मच्छर है ये सब है तो वो सब पेड़ पौधा सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर मैं कढ़ी पत्ता भी लगाई हूँ, लेकिन इतना सारा ये गमला में पेड़ निकल आया है ना कि उसको बढ़ने का जगह ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना इतना बड़ा अनार का पेड़ हो गया, इसको भी मैं 20 से ही उगाई हूँ। और देखिए बहुत सारा फल आ गया था लेकिन सब गिर जा रहा है। अमरूद का भी जो बीज है, जो मेरा मिट्ठू खाता था अमरूद, उसी के बीज से मतलब हो गया, काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया है लेकिन अभी तक फल नहीं आया है। तो चलिए आज संडे है तो सब में मैं पानी डाल देती हूँ। मेरे पास 35-36 गमले हैं। तो यहाँ पर देखिए टूटा हुआ बाल्टी है, तो इसमें मेरा बहुत सुंदर ये गुलाब है जो बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये भी मिर्च का पेड़ है। एक तुलसी मैया का पेड़ जो है ना मैं छत पे रख दी हूँ, बहुत सारा नीचे भी है तो बहुत छोटे छोटे से मतलब उसमें भी निकल आए हैं पेड़। और यहाँ पर देखिए ये भी मिर्च की क्वालिटी है, मिर्च की मेरे पास 5 क्वालिटी है और सब मैं 20 से ही उगाई हूँ। और उड़हल के भी मेरे पास 5 क्वालिटी है, एक गमला खाली है तो उसमें भी मैं लगाऊंगी।
और नीचे मैं दिखाऊंगी टमाटर के फिर से मैंने बीज डाल दिए थे तो उससे भी बहुत सुंदर पेड़ निकल कर के आए हैं और टमाटर भी फला था वो भी मैं दिखाई हूँ। तो ये देखिए ये मिर्च जो है ना क्वालिटी में उतना नहीं जानती हूँ लेकिन 5 क्वालिटी में लगाई हूँ, जो भी मिर्च लाती हूँ बाज़ार से उसके बीज बस ला करके और डाल देती हूँ, उसी से इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है। अब आ गई हूँ अपने बालकनी में तो देखिए ये भी मिर्च का पेड़ है। तो जो रियूज डब्बे सब होते हैं ना कभी टूट फूट जाते हैं तो उसी में मैं लगा देती हूँ। तो बहुत सारा पेड़ इसमें भी मिर्च के निकल आए हैं, मैंने बहुत बार इससे मिर्च तोड़े हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी है, थोड़ा बड़ा साइज का है। तो देखिए ये यहाँ पर मेरा कपड़ा भी खींचना होता है, पोछा भी लगाना होता है ये छोटे से बालकनी में, तो अभी बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो मैं दिखाई थी बहुत सारे टमाटर फल रहे थे तो टेरेस पर है, ये छोटा सा एक मेरे पास पॉट खाली था तो उसमें भी मैं बीज डाल दी। तो देखिए बहुत सारा ये टमाटर का पेड़ बड़ा हो गया है तो इसको मैं अच्छी तरह से ऊपर बालकनी में रख दूँगी। तो देखिए ये जो है ना इसको बीच बीच में क्या करें नल चला करके इसको अच्छी तरह से धो देंगे ना तो बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ ये बालकनी में ना, ये मतलब सपोर्ट से ये अच्छा तरह से बढ़ेगा, धूप इधर बहुत अच्छी आती है। और मेरे पास नीलकंठ की बात करूँ तो नीलकंठ भी मेरे पास 4 क्वालिटी के हैं, तो ये पंचमुखी नीलकंठ है। तो इसको मैं क्या की हूँ कि ऊपर में जितने भी है ना मतलब लगे हुए हैं लोहे, तो उससे मैं देखिए ये थोड़ा सा धागा बांध करके और पूरा मैं यहाँ पर अरेंज कर दी हूँ। और मेरे पास बेली के लत्ती वाली भी, बेली 2 क्वालिटी के है मेरे पास, तो बेली का भी बगल में पेड़ है और जो गेंदा के फूल बच जाते हैं ना उसको भी मैं डाल दी हूँ, उसका भी बहुत सारा पेड़ निकल के आया है। ये है एलोवेरा, तो एलोवेरा फेशियल मैं करती हूँ, वो वीडियो जल्द मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। और एलोवेरा की ये क्वालिटी बहुत अच्छा है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। थोड़ा छोटा सा बालकनी है लेकिन ग्रीन है। अब मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम है जहाँ मेरा किचन है और यहीं पर मैं बगीज को खाना देती हूँ, पानी देती हूँ और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लगाई हूँ जिसमें केला का पेड़ है, तुलसी मैया का है, सम्मी का पेड़ है। और ये रियूज जो डब्बे होते हैं ना उसमें मैं एक छोटा सा मनी प्लांट लगा के ड्राइंग रूम में रखी हूँ। आई होप कि ये छोटा सा मेरा गार्डन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलती हूँ दिन की लंच थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।